Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, ZAT and MAT, SNAP and IFT. So guys, today's video is going to be very important, mainly for those who are preparing for CAT, because today I'm going to discuss the CAT preparation study plan. Around 2.5 months ka study plan hai aur ye 99.5 percentile ke liye hai. Theek hai, those who are targeting anything above 99 plus, un logo ko ye follow karna chahiye aur bahut acha plan banaya maine ye. ठीक है, इसको अगर ढंग से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा. ठीक है, सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और काफ़ी पिंग्स आ रहे थे मेरे पास कि कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन. काफ़ी लोगों को डाउट है. ठीक है, काफ़ी लोगों ने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो ठीक है, अभी भी आप पढ़ रहे हो तो अभी भी अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ोगे तो हो जाएगा. गाइस, कैट हमेशा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से निकलता है. ऐसा नहीं होता कि दो साल तीन साल पढ़ रहे हो तो 99.9 आएगा. तुम अगर कभी देखना कोरा में जाओ, कहीं भी जाओ, जो 100 percentilers होते हैं जनरली वो फ्रेशर्स ज़्यादातर केस में होते हैं. क्यों होते हैं? फ्रेशर्स को तो कम टाइम मिला है, उनको कैसे आ रहा है? वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही चीज़ पढ़ते हैं, वो इररिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ते. काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि कोर्स ख़त्म हुआ नहीं और सिर्फ पूरे पूरे दिन सोशल मीडिया के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए हैं. बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी हैबिट बनती है. ठीक है, नंबर्स का पोस्ट हुआ, फिर तुरंत अर्थमेटिक पोस्ट हुआ, अच्छी चीज़ है. बट पूरा दिन अभी नहीं देना है, वो तब देना जब आपका कोर्स खत्म हो जाए पूरा. एक बार स्टैंडर्ड मटेरियल लगा लो पूरा, उसके बाद आराम से करो, यही करना ही, एक्सपेरिमेंट ही करना है, यहाँ से वहाँ से हर जगह से पढ़ो. ठीक है, बट इस टाइम पर पढ़ो ग्रुप से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एक घंटा या डेढ़ घंटा दो, एक घंटे में आओ, पूरा ग्रुप को स्किम कर लो, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो. ठीक है, तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है. ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है बताया तो मैंने अलग से वीडियो बनाया, बट अभी मैं समरी में बता देता हूँ. बुक्स के लिए, क्वांट्स के लिए सर्वेश कुमार वर्मा क्वांटम कैट, उसको एग्जांपल्स उसके लगाओ. एग्जांपल्स काफ़ी डाइवर्स हैं, उसमें अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, और फॉलोड बाई टाइम स्टडी मटेरियल, टाइम मटेरियल क्वेश्चन लगाओ. ठीक है, टाइम मटेरियल का मटेरियल सबके पास होगा, सॉफ्ट कॉपी भी आजकल ग्रुप्स वगैरह में घूम रही तो होगी, सबके पास नहीं तो अरेंज कर लो कहीं से. ठीक है, वो बहुत स्टैंडर्ड मटेरियल का, इस टाइम मटेरियल को बिल्कुल मत छोड़ो, उसको लगाओ, बहुत अच्छा मटेरियल है, काफ़ी डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चन है उसमें, काफ़ी सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो एग्जांपल सर्वेश कुमार वर्मा से और टाइम मटेरियल से पूरा. ठीक है, अर्थमेटिक आई वुड से कि टाइम है तो दोनों लगाओ, टाइम मटेरियल से भी लगाओ और उससे भी लगाओ. अर्थमेटिक तो हर एग्जाम में आती है, भर भर के खूब आती है. ठीक है, वर्बल एबिलिटी के लिए RC प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग करो. ठीक है, कोई अगर कोचिंग ले रखी तो उसका फॉलो करो जो लोग दे रहे हैं. ठीक है, इट इज़ मोर अबाउट रीडिंग, उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला तो होता नहीं है. वो क्या है, अपनी इम्प्रूव करो, वो कैप के लिए वर्ल्ड पावर मेड इजी बुक है, उसको पढ़ो, उसके पीछे वाले वर्ड्स पढ़ो, आगे के जो वो है ना रूट वर्ड्स, वो पढ़ लोगे याद हो जाएगा, भूल जाओगे. उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल लगा नहीं मुझे, वो दो तीन बार तीन चार बार पढ़ोगे तब आएगा. बट लास्ट के जो वर्ड्स हैं A to Z, रेड वाली बुक की बात कर रहा हूँ, उसमें उसके वर्ड्स हमेशा हर एग्जाम में आते हैं, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसी से ही आएगा, उसको पढ़ लो, मैंने कई बार बोला है वो. ठीक है, वर्ल्ड पावर मेडिसी की रेड बुक है, उसके लास्ट में देखोगे A to Z वर्ड्स दिए हैं, वो कर लो सारे अच्छे से. ठीक है, आ जाएंगे नंबर आराम से, बता रहा हूँ. ठीक है, LRDI के लिए अरुण शर्मा यूज़ कर सकते हो बुक, और टाइम मटेरियल तो है ही है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द LRDI इज मोर अबाउट एनालाइजिंग द मॉक्स, पुराने मॉक्स, पुराने कैंडिडेट्स ऐसे करो. ठीक है, बेसिकली अरुण शर्मा से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, YouTube में भी काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के LRDI की, यू कैन जस्ट सर्च एंड मिल जाएगा. ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें. चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अब ये स्टडी प्लान. सो गाइस, इसमें ऐसा है कि पहला जो टेबल दिख रहा है आपको, ये हमने बनाया है कि पर डे आपको क्या करना है. ठीक है, तो मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, आपको 2 hours को देना है क्वांट्स को. क्वांट्स आपको एटलीस्ट, यहाँ पे हर चीज़ एटलीस्ट के फॉर्म में, एटलीस्ट 2 hours, एटलीस्ट 30 questions, ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो टारगेट काफ़ी बड़ा है अपने 99.5, और टाइम अपने पास बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस बार, तो पढ़ना तो पड़ेगा अगर 99.5 चाहिए आएंगे जाना है तो. ठीक है, तो 2 घंटे एटलीस्ट क्वांट को देना डेली, 2 घंटों में आराम से 30 questions कर लोगे सॉल्व. जब पढ़ रहे होगे उस टाइम में मोबाइल नहीं रहेगा, मोबाइल बगल में रख दो, मोबाइल को कवर में रख दो, मोबाइल बगल में रहेगा ही नहीं. ठीक है, वरना काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी कम हो जाती है मोबाइल रहता है तो. 2 घंटा क्वांट्स को दोगे, 30 questions लगाओगे, LRDI को 2 घंटा दोगे, LR का एक सेट, DI का एक सेट लगाओगे, एनालाइज करोगे क्या कोई गलती हुई तो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल से, एंड VARC को 1 घंटा दोगे, 2 RCs लगाओगे डेली सैटरडे तक. संडे का हमारा क्या रहेगा, संडे को हम 3 घंटे देंगे क्वांट्स को, 1.5 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी, और 3 sectional टेस्ट देने हैं हम लोग 30 minutes ईच के, या फिर तुमने जो भी कोई कोचिंग ली हो, जहाँ पे भी जो भी मिला हो तुमको, उसके अकॉर्डिंग सेक्शनल टेस्ट 3 दे दो. टाइमिंग डिफर कर सकती है टेस्ट की, वो डिपेंड करता है कहाँ तुमने क्या लिया है. ठीक है, बट मेन मोटिव ये है.
एलआरडी एक लेगी, 2 घंटा हमको देना है संडे को, ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में भी लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ठीक है, बट स्टिल आपको 5 घंटे निकालने ही पड़ेंगे अगर आपको जाना है आईएम्स वगैरह में, ठीक है। 5 घंटे भी काफ़ी कम है, लोग तो काफ़ी टाइम दे रहे हैं, इवन लोग पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं आजकल, ठीक है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। बट स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे तो 5 घंटे इज मोर देन इनफ, कर लोगे आराम से। तो ये एलआरडीए में 2 घंटे में एक सेक्शनल टेस्ट, 2 LR का, 1 DI का, ठीक है, एंड 1.5 आवर्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। 30 मिनट्स में 2 सेट सॉल्व हो जाएंगे टेस्ट के, 1.5 घंटे दोगे रेगुलर प्रैक्टिस को। VARC को 2 RC करोगे, 2.5 ढाई ढाई घंटे देना है यहाँ पे, 2 RC करोगे, 10 पैरा समरी, 10 PG करोगे, 2 कॉम्बिनेशन को भी ले लो अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपको पर डे करना है जो सर ये है, ठीक है। इसको या तो स्क्रीन शॉट ले लो या फिर जैसे भी करके सेव कर लो उसको। चलते हैं आगे। अब ये हमारा था पर डे का, हमको मंथली देखना करना क्या है। अब मंथली स्टडी प्लान क्या बोलता है, 20th May से 20th August तक का टाइम है अपने पास, ठीक है। सो गाइस 20th May से 10th June आप मानते हैं कि 20th May से स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। अर्थमेटिक स्टार्ट करो, कौन से अर्थमेटिक सबसे ज़्यादा वेटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम इन वर्क, TSD, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब जितने भी अर्थमेटिक चैप्टर से आपको खत्म करने हैं ये 20 दिन में। और देखो मैंने अपना एनालाइज क्या किया है कि टाइम मटेरियल में एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन करीब होते हैं, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं आप, ये आपको एक दिन लगेगा क्योंकि अर्थमेटिक में कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेज नहीं होते हैं, जैसे TSD में 2-3 फॉर्मुलेज होते हैं, उसी पर क्वेश्चन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आपका मैक्स टू मैक्स अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप आराम से 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, 2 या 3 दिन में कर सकते हो अगर कंसंट्रेशन से कर रहे हो सॉल्व, ठीक है। हमने किए हैं 2 दिन में पूरे पूरा टाइम का एक चैप्टर किया है कंप्लीट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लोग करते हैं। इवन एक स्टूडेंट है उसने 21 दिन में पूरा क्वांट खत्म किया IMS की, ठीक है, 21 दिन में पूरी क्वांट खत्म की उसने IMS की पूरी क्वांट, ठीक है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, बट इट इज़ मोर अबाउट डिसिप्लिन। चलो तो ये आपको करना है LRDI में, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब ऐसा लगता है कि बहुत सारा कुछ नहीं, एक एक एग्जांपल देखोगे आ जाएगा, बाकी इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अराउंड 60 सेट्स आपको सॉल्व करने हैं। VARC में 32 RCs कर रहे हैं आपको, 40 PGs कर रहे हैं। तो ऊपर जो मैंने बताया है वो एटलीस्ट वाला केस है, ठीक है, ऊपर जो मैंने बताया है वो एटलीस्ट वाला केस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करनी है चीज़ें, ठीक है। तो ये ब्रॉड एक है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो आप, बट टॉपिक यही रहेंगे, ये होने चाहिए, ठीक है, और टाइम पीरियड ये होना चाहिए, इस टाइम पर आपको ये करना है कम्प्लीट, ठीक है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको काफ़ी ईजी लगती है RC तो आप इतने RC मत करो, आपका फोल्टे है मान लो RC तो मत करो, आपका क्वांट्स वीक है तो क्वांट्स ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। 11th June से 30th June तक वो नंबर्स पढ़ना है, नंबर्स को लोग सोचते हैं नंबर्स कुछ नहीं आता, नंबर्स से क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़ याद रखो गाइस, अर्थमेटिक पे डिपेंड होना अच्छी बात है, बट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस काफ़ी हैवी होते हैं और नंबर्स बचाता है उस केस में, नंबर से क्वेश्चन 1 लाइनर के होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हम अर्थमेटिक करके जाएंगे नंबर छोड़ देंगे, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कभी कभी 4-5 लाइन के होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, बट नंबर से 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं तुरंत हो जाते हैं, देखने में अच्छा लगता है, तुरंत सॉल्व भी हो जाते हैं। तो नंबर्स को भी करना है हम लोग अच्छे से, नंबर्स का मतलब रिमाइंडर्स निकालना नहीं होता हमेशा, ठीक है। यूला और चाइनीज वगैरह खाली पढ़ने के लिए है कि पढ़ लो आना चाहिए, PhD करने की जरूरत नहीं उस पर हमें, ठीक है। यू शुड नो ये कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो बाद में ये ना हो कि हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। बट ये नहीं कि पूरे दिन आप नंबर्स ही सॉल्व कर रहे हो, रिमाइंडर्स ही सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है। नंबर्स की काफ़ी वैरायटी, इनफाइनाइट वैरायटीज है नंबर्स की। कैट के पेपर निकाल के देखो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे तो देखोगे कि 5 वीडियोज़ बनाए पुराने नंबर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांट्स हो गया, LRDI में वेन डायग्राम्स एंड सेलेक्शन, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट में बहुत बार आया है, हर बार ही आता है कह लो, ठीक है, करना ही करना अच्छे से उसको, टाइम मटेरियल से करो। और अरुण शर्मा जिससे भी, VARC के 16 RCs करो, 20 PGs करो, CR करो, ऑड मैन आउट करो, एनी कॉम्बो ऑफ टू, ठीक है। 1st July से 20th July एलजब्रा करनी है हम लोग को, एलजब्रा में काफ़ी कुछ आया था, एलजब्रा में मैंने PNC एंड प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड कर दी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है गैस, ज़्यादा लग रहा है देखने में है नहीं ज़्यादा कुछ, 20 दिन बहुत हैं, 20 दिन काफ़ी हैं, आराम से 2-2 दिन में एक टॉपिक हो जाएगा और हो जाएगा क्लियर, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। LRDI में हम लोग गेम्स एंड टूर्नामेंट्स करना है, रीजनिंग बेस्ड DI करनी है, बाइनरी लॉजिक करनी है, वेन डायग्राम करना है, ठीक है। और VARC में 32 RCs तो छोड़ना ही नहीं, RC क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज है RC का, तो छोड़ना ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द 21 जुलाई, सिरे का 10th अगस्त वाला केस। इसमें हम लोगों को ज्योमेट्री करनी है अच्छे से, ज्योमेट्री का ज्योमेट्री मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब आ गया इसी में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कर लो, टाइम अच्छा खासा है, 20 दिन आराम से हो जाएगी। पहले थ्योरी पढ़ लो, अरुण सर क्वांटम कैट में काफ़ी अच्छे से एक्सटेंसिव थ्योरी दी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ लोगे और कैट में उसी से ही निकल जाएगा आराम से, कोई बहुत ज़्यादा हम लोग का हाई फाई नहीं आना ज्योमेट्री में कि SSC लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे,
बहुत ज़्यादा पीछे हाथ पड़े आ रहा है ज्योमेट्री के। बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए हर चीज़ की, क्वांटम कैट में इन डेप्थ तरह से दिया हुआ है। बट एक बात याद रखना गाइस, खाली प्रॉपर्टी रट लेने से सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लगा के ही सॉल्व होंगे। तो आई वुड से टाइम मटेरियल प्लस और क्वांटम कैट दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मॉक से करोगे तब जाके आएगी, ठीक है, वरना नहीं आएगी ज्योमेट्री, क्लिक नहीं होगा क्वेश्चन एग्जाम में। LRDI में क्या कर रहे हैं हम लोगों को, LRDI में सिलेबस खत्म हो चुका है हम लोग का, हम लोग को 50 LRDI सेट्स लगाने हैं पास्ट कैट से, 50 DI लगाने हैं पास्ट कैट से, ठीक है। VARC में हम लोग को 50 RC करने हैं, 50 PJ करने हैं एक्सेट्रा, प्लस 10 VR सेक्शनल टेस्ट देने हैं, ठीक है, ये करना है हम लोगों को। सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो गया 10 अगस्त तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 11th अगस्त से 30th अगस्त हमको डेली 1 सेक्शनल देना क्वांट्स का, एंड वीकली 1 फुल लेंथ मॉक देना है एक, ठीक है, अभी एक देना है। यहाँ पे हम लोग को LRDI में यही चीज़ करनी है, डेली 1 सेक्शनल टेस्ट एंड 1 फुल लेंथ मॉक, एंड VARC में भी यही चीज़ करनी है। 1 सितंबर से 1 डेली 1 सेक्शनल टेस्ट ऑफ QA प्लस 1 आवर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग ऑन सोशल मीडिया ग्रुप्स, ये करना है हम लोगों को। 1 आवर से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, एंड वीकली 2 फुल लेंथ मॉक्स, 1 आवर के 3-4 घंटे कर सकते हो खाली टाइम में, बट हमको सब कुछ देखना है तो 1 आवर बोला है हमने। LRDI के लिए डेली 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं हम लोग को LRDI के, एंड 2 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, वो तो वही है, ठीक है। डेली 1 सेक्शनल टेस्ट ऑफ VARC एंड 1 वीकली फुल लेंथ मॉक, वो तो फुल लेंथ मॉक तो दो ही है, वो तो यहाँ पे टाइपो है, ठीक है। फिर 21 सितंबर से सेक्शनल टेस्ट रिवीजन रैंडम प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया प्लस 3 फुल लेंथ मॉक्स वीकली, 3 मॉक्स देने हैं 21 सितंबर से लेकर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेक्शनल टेस्ट रिवीजन रैंडम प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया ग्रुप्स, बाकी यहाँ वहाँ से आप यूट्यूब के चैनल जो है प्रॉपर वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट रिवीजन रैंडम प्रैक्टिस ऑन सोशल मीडिया ग्रुप्स, ये सब आपका सब कुछ तैयार हो चुका है, आपको सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है, वीक एरियाज पे काम करना है इस टाइम पे, ठीक है। सो गाइस ये जो पैटर्न है इसका अगर आपने 70% भी कर दिया फॉलो तो आराम से 97-98% आ जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है जैसा भी हो, बट 20th of May से इसको स्टार्ट करो आप करना, और जहाँ से भी आपने जो भी कोचिंग फॉलो की ले रहे हो उसको फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आप टाइम, जैसे मान लो कहीं किसी कोचिंग में नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो नंबर से आप ले आओ, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेनली उन लोग लिए जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर जो लोग अपना खुद का प्लान बनाना चाहते हैं, ठीक है। कोचिंग चलती रहती है, कोचिंग का अलग करते रहो, अपना भी अलग करते रहो, तो हो सकता है सब चीज़ें, ठीक है। एंड चलो ये था, ठीक है, तो आई गेस कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से करोगे हो जाएगा। बट एक चीज़ और है कि गाइस कैट के चक्कर में ओमेट को मत भूल जाना, VA वर्बल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ओमेट्स का अलग आता है, तो उसको भी पढ़ते रहना साथ में, ठीक है, काफ़ी अच्छा हो जाएगा उससे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो NMAT में 192 194 196 ऐसे लाते हैं, क्यों लाते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं और कोई बात नहीं, आता सब है उनको, ठीक है। स्नैप में भी यही चीज़ देखिए कि SIBM SC HRTC से 2 नंबर से रुक गई कॉल, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा नहीं, आपने वर्बल एबिलिटी नहीं पढ़ी, ग्रामर नहीं पढ़ी, क्योंकि आप कैट में लगे रहे, तो ये गलती मत करो, उसको भी टाइम दो, ठीक है। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर VALR, ठीक है, वो हम लोग का 18th of May से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, पिछली बार 20 NMIMS कॉल्स थी, और दो कोर्स में पूरा आपका स्टडी मटेरियल मिलता है LR का, VA का, ओमेट्स के लिए, और 3 दिन रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस होते हैं हफ्ते में, वो आपको डिसिप्लिन देते हैं, क्योंकि अपने आप स्टार्ट करोगे तो आप करोगे नहीं, बट जब आपको 3 दिन प्रैक्टिस सेशंस होंगे तो आपका डिसिप्लिन बनेगा अपने आप, और हो सकता है आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं उसमें। तो VALR जो कोर्स है वो काफ़ी इकोनॉमिकल रखा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रखा है, नोटिस में काफ़ी कुछ मिल रहा है, पूरा पोर्टल में स्टडी मटेरियल, टॉपिक टेस्ट, आपका आपके सेशंस वगैरह सब हो रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बार देख लो, कोर्स की कॉस्ट बहुत कम है, 599 और बहुत हेल्पफुल है वो, मतलब उसको लेने के बाद आपका जो टेंशन है कि हम ओमेट्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कौन सा पढ़ ही रहे हो, कौन सब में आती है, LR कैट तो आप पूरा पढ़ ही रहे हो, कौन भी आपकी हो जाएगी सबके लिए, बट आपका जो मेन इशू आता है वो होता है VA और LR का, ओमेट्स का, कि वो कैसे करेंगे, जनरली लोग 5 दिन पहले पढ़ते हैं एग्जाम के, तो वो आपका अभी से होता रहेगा धीरे धीरे ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशंस ये हर चीज़ जो आते हैं, डायरेक्शन सेंस वगैरह, वो सब हम लोग का होता है कि हम लोग को कैसा है वो करवाना है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, चाहे वो NMAT हो, चाहे स्नैप हो, चाहे कैट हो, सॉरी चाहे टिस्नेट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो ओमेट का, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, मेरा बस देख लो। सो गाइस ये है हम लोग का मॉक जोन्स का VALR कोर्स, 3 दिन प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, 18+ लॉजिकल रीजनिंग हैंडआउट्स हैं, 10+ वर्बल एबिलिटी हैंडआउट्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट 25 वीडियोज़ होंगे, 20 टॉपिक टेस्ट होंगे, एटलीस्ट होंगे 20-25 हो सकते हैं, स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा उसमें आराम से सब मटेरियल होगा, एडिशनल कॉन्ट्स के हैंडआउट्स होंगे, ठीक है, कॉन्ट्स विल कॉम्प्लीमेंट्री, पास पेपर्स होंगे फॉर इजी, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, 20 स्कूल GDPI गाइडेंस होगा,
यू कैन डायरेक्टली पिंग मी, ठीक है, कोई अगर डाउट आती है तो। बाकी काफ़ी कुछ है, प्राइस का बहुत कम रखा है हम लोगों ने, इट्स ओनली एंड ओनली 599, ठीक है, 599 का प्राइस है। तो यू कैन जस्ट चेक दिस, अगर स्ट्रक्चर अगर सही लग रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट एंड यू कैन पिंग मी एट 8604734785, मुझे पिंग करके ऑल डिटेल्स अगर चाहिए तो ले सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।